लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेडलॉक को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डेडलॉक के चार नेसेसरी कंडीशन है उन कंडीशंस को हम क्या करेंगे कि वो कंडीशंस अकर ना हो, ऐसे हम कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक है कि इस वजह से लो डिवाइस यूटिलाइजेशन होता है और हमारे जो हम बोलते हैं थ्रूपुट है तो सिस्टम का थ्रूपुट बहुत ही कम होता है। तो हमें ये चीज तो नहीं चाहिए सर्टेनली, तो हमें क्या करना है, एक दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए डेडलॉक से डील करने के लिए। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो इस अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी में हम क्या करेंगे, अवॉइडेंस मतलब सिंपली हम क्या करेंगे कि डेडलॉक होने के पहले ही हम डेडलॉक ना हो ऐसे कुछ कोशिश करेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो रादर देन रिस्ट्रेनिंग द कंडीशंस हम यहाँ पे रिसोर्स रिक्वेस्ट के जो हमारे अलग अलग जो रिक्वेस्ट आए हैं उन रिक्वेस्ट को हम देखेंगे प्रॉपरली और हम देखेंगे कि उन रिक्वेस्ट के बेसिस पे अगर हमें पता चला पहले ही कि कुछ रिक्वेस्ट के वजह से उनको फुलफिल करने की वजह से अगर सर्कुलर वेट कंडीशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम फुलफिल नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, हमें रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे हमारे पास अगर दो पर्टिकुलर प्रोसेस है P1 और P2 और हमारे पास मानो दो रिसोर्सेस है, जैसे हमारे पास प्रिंटर भी है और डिस्क भी है। तो अगर हमें पहले से ही पता है कि P1 के पास अभी प्रिंटर है और P2 के पास डिस्क है, ओके, तो ये हमारा करंट सिनारियो है। और उसी के साथ साथ हमें और एक चीज पता चली है कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको डिस्क चाहिए और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको प्रिंटर चाहिए। तो अगर हमने ये रिक्वेस्ट को फुलफिल किया तो क्या हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा कि दोनों प्रोसेस अपना अपना रिसोर्स छोड़ेंगे नहीं और दूसरे के रिसोर्स का वेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे रिक्वेस्ट को हमें क्या करना है, हमें फुलफिल होने से बचना है। तो ये रिक्वेस्ट फुलफिल ना हो ऐसे हमें कुछ देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे रिसोर्स एलोकेशन स्टेट के ऊपर। तो ये रिसोर्स एलोकेशन स्टेट मतलब क्या है, तो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट मतलब इट इज नथिंग बट ऑल दी वी कैन सी नंबर ऑफ एलोकेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्रोसेस। जैसे मेरे पास सिस्टम में, अगर मेरे पास एक सिस्टम है अपनी सिस्टम और उसमें मेरे पास 5 प्रिंटर है, ओके, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे हम कहेंगे कि मेरे पास ये अवेलेबल है, करेंटली मेरे पास 5 प्रिंटर्स है, ओके। फिर एलोकेटेड, तो एलोकेटेड मतलब कि इन 5 प्रिंटर में से करेंटली हम कुछ प्रिंटर्स किसी को एलोकेट कर चुके हैं। तो फिलहाल मेरे पास 5 अवेलेबल है और मेरा मैक्स भी मतलब मैक्सिमम प्रिंटर भी 5 ही है, मतलब सिस्टम में प्रिंटर भी 5 ही है और 5 अवेलेबल है, मतलब एलोकेटेड कितना होगा, 0। तो 0 फिलहाल क्या है, एलोकेटेड है, मतलब किसी को भी हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया है फिलहाल, ठीक है। फिर मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड हम किसकी निकालेंगे, हर एक प्रोसेस की। तो जैसे मेरे पास दो प्रोसेस है P1 और P2, तो P1 कहेगा कि मुझे 2 प्रिंटर चाहिए, मतलब मेरे पूरे लाइफ टाइम में मेरा पूरा एग्जीक्यूशन होने के लिए मुझे 2 प्रिंटर की जरूरत है। और P2 कहेगा कि मुझे मेरा पूरा एग्जीक्यूशन होने के लिए 1 प्रिंटर चाहिए, मतलब मुझे एक ही प्रिंटर की जरूरत है पूरा एग्जीक्यूशन होने के लिए। तो ये 2 और 1 क्या है, P1 और P2 का मैक्सिमम डिमांड, मतलब उनको कितना लगने वाला है पूरे लाइफ टाइम में। हमेशा ये एक चीज याद रखना कि ये जो हर एक प्रोसेस जो डिमांड करती है हर एक रिसोर्स के लिए, वो डिमांड कभी भी मैक्सिमम से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये P1 है, ये P1 कहता है कि मुझे 2 प्रिंटर चाहिए और अगर मेरा मैक्सिमम 5 है तो मैं दे सकता हूँ कैसे भी किसी भी हालत में। लेकिन अगर मैंने कहा कि P1 6 प्रिंटर मांग रहा है, हमारे सिस्टम में 5 ही प्रिंटर है, हम और एक एक्स्ट्रा प्रिंटर कहाँ से देंगे। तो मतलब एक हर एक प्रोसेस का जो मैक्सिमम जो डिमांड है वो कभी भी सिस्टम के मैक्सिमम से एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर अवेलेबल मतलब करंटली कितना अवेलेबल है, और एलोकेटेड मतलब कि करंटली आपके पास आपने कितना एलोकेट किया है, ठीक है। तो ये हमें एक पूरा सिनारियो मिलता है हर एक प्रोसेस का और आपके सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स एलोकेशन, तो जिसे हम कहेंगे रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, ओके। अभी ये रिसोर्स एलोकेशन स्टेट हमें कैसे हेल्पफुल होती है, तो इस रिसोर्स एलोकेशन स्टेट से ही हमें पता चलता है कि किस प्रोसेस के पास कितने रिसोर्सेस है। और फिर
हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता करने के बाद जब नई रिक्वेस्ट आती है तो हम देख सकते हैं कि ये नई रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है या नहीं करना है। अभी ये हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें लगता है सेव स्टेट, मतलब हम चेक क्या करने वाले हैं, सेव स्टेट। तो ये सेव स्टेट को हम चेक कैसे करेंगे, एक सेव स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे आपके सिस्टम ने जो भी रिसोर्सेस एलोकेट किए हैं, तो सिस्टम क्या करेगी, हर एक प्रोसेस कुछ कुछ रिसोर्सेस मांग रही है, कुछ कुछ उनका मैक्सिमम है, जैसे इनका मैक्सिमम ये 2 और 1 है, वैसे हर एक प्रोसेस बोलेगी कि मेरा मैक्सिमम इतना है, मुझे पूरे लाइफ टाइम एग्जीक्यूशन के लिए इतना इतना रिसोर्स चाहिए। तो जब आपकी सिस्टम वो जो मैक्सिमम डिमांड है वो हर एक प्रोसेस का जब फुलफिल करती है वन आफ्टर द अदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब जैसे पहले सिस्टम ने बोला कि मैं P2 को एग्जीक्यूट करूंगी फिर P1 को एग्जीक्यूट करूंगी, तो इसका मतलब कि हमने सीक्वेंस क्या फॉलो किया, पहले P2 बाद में P1। तो ये P2 और P1 जो है ये एक सीक्वेंस है, ये एक ऑर्डर है ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्यों ऑर्डर है, क्योंकि इस ऑर्डर में हम उनकी मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल करने वाले हैं। तो अगर हमने ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो किया और डेडलॉक नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो सेफ सीक्वेंस है और आपकी जो सिस्टम है वो क्या है, सेफ स्टेट में है, मतलब कि आप इस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करोगे तो कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। अब आओ देखते हैं अपना डायग्राम। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सेफ स्टेट क्या होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेफ स्टेट है, ये अनसेफ स्टेट है। तो जब तक कि सेफ स्टेट है, हम देख रहे हैं कि अनसेफ स्टेट में हमने डेडलॉक मेंशन किया है। इसका मतलब क्या है कि अनसेफ स्टेट अगर है देन इट मे लीड टू डेडलॉक, लेकिन अगर आप सेफ स्टेट में हो तो इसका मतलब कि डेडलॉक कभी भी नहीं होता है। तो हमें अगर डेडलॉक को अवॉइड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सेफ स्टेट में पहुंचना है, हमें एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए। और यहाँ पे हमने कहा है कि अगर आप अनसेफ स्टेट में हो इसका मतलब क्या है, डेडलॉक होने के चांसेस है। हम यहाँ पे कह रहे हैं चांसेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि अनसेफ स्टेट है मतलब डेडलॉक होगा ही। तो आप क्या कहोगे, अगर अनसेफ है तो डेडलॉक मे अकर, ओके, लेकिन अगर डेडलॉक है तो इट इज ऑलवेज एन अनसेफ स्टेट, ओके। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर अनसेफ स्टेट है तो डेडलॉक मे अकर, बट अगर डेडलॉक है तो वो अनसेफ ही स्टेट होगी। अभी आओ हम एक डायग्राम, एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि सेफ और अनसेफ स्टेट है। जैसे हमें पता है कि P0 को मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसको मैक्सिमम उसके लाइफ टाइम में कितना चाहिए, तो उसको 10 प्रिंटर चाहिए, P1 को 4 प्रिंटर चाहिए और P2 को 9 प्रिंटर चाहिए। तो ये हमें मैक्सिमम दिया गया है और फिलहाल करंटली कितने एलोकेटेड है, सारे के सारे तो हम उनको दे नहीं सकते। तो हमने क्या किया है, P1 को हमने 2 दिए हैं, P2 को 2 दिए हैं और P0 को 5 दिए हैं। तो करंटली इतने प्रिंटर उनके पास है, उनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, मतलब जब तक कि उनको इतना नहीं मिलता तब तक उनका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो सकता। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि क्या किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट करेंगे तो डेडलॉक नहीं होगा। और अगर हम सेफ सीक्वेंस में पहुंच गए तो हम कहेंगे कि वहां पे डेडलॉक के कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटर कितने हैं, 12। यहाँ पे हम देखेंगे कि एलोकेट हमने कितने किए हैं, हमने 9 एलोकेट किए हैं। तो हमारे पास फ्री कितने हैं, हमारे पास 3 प्रिंटर्स आर फ्री। अभी हम देखते हैं कि अगर 3 प्रिंटर फ्री है तो हम किस किस को वो दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो P0 है, P0 हमारे पास रिक्वायरमेंट 10 की है, 5 उसको दिए हैं, ये 3 अगर उसको दे दिए जाएंगे तो उसके कितने हो जाएंगे, 5 + 3 = 8 हो जाएंगे। तो क्या फुलफिल होता है रिक्वायरमेंट, नहीं, मतलब हमें क्या करना होगा, P0 को वेट कराना होगा। तो P0 अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, हम उसको वेट कराएंगे। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है P1। अभी P1 के पास उसकी रिक्वायरमेंट है 4, उसके पास करंटली है 2 और ये 3 अगर उसको दे दिए तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा मतलब उसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब इन 3 में से हम 2 इधर एलोकेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो 2 प्रिंटर थे वो हमने किसको दिए, P1 प्रोसेस को दिए, ठीक है।
दो प्रिंटर P1 प्रोसेस को दिए तो P1 के प्रिंटर कितने हो गए, 2+2 4 हो गए, ठीक है, तो 4 हो गए, फिर क्या हुआ, इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो गया मतलब क्या कि P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मतलब P1 सक्सेसफुली फिनिश हो गया। अभी P1 जैसे ही फिनिश होता है, हमने देखा है कि रिसोर्सेस किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम यूज करते हैं, पहले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर यूज करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, हमने यूज किया और फिर यूज होने के बाद हमने रिलीज कर दिया, तो ये P1 क्या करेगा, ये 4 के 4 प्रिंटर को वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अभी जैसे ही P1 उनको रिलीज करेगा, यहाँ पे 3 में से हमने ये 2 यूज किए थे राइट, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना था, 1 फ्री बचा हुआ था। अब ये चारों के चारों कहाँ जाके ऐड हो जाएंगे, 1 फ्री में, तो हमारे पास अभी नेक्स्ट फ्री क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 प्रिंटर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 प्रिंटर फ्री हो गए और हमारा एग्जीक्यूशन किसका हो गया, P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। अभी जैसे ही P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है, हमारे पास अभी कौन कौन बचा हुआ है, हमारे पास P0 बचा है और P2 बचा है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, हमारे पास अवेलेबल कितना है अभी फ्री, 5 है, ठीक है। तो अभी ये 5 हम किसको दे सकते हैं, यहाँ पे हम देंगे 5 और 2 7 हो जाएंगे, इसका रिक्वायरमेंट है 9 का, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, P0 को चेक करेंगे, P0 को दे सकते हैं क्या, ये 5 एलोकेटेड है, 5 5 और 5 10 हो गए, ये 10 उसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब ये 5ों के 5ों हम P0 को एलोकेट कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्या कर दिया, नेक्स्ट हमने किया कि जो 5 फ्री थे वो 5 फ्री हमने किसको दे दिए, P0 को दे दिए, ठीक है। तो P0 के हो गए 10, P0 का एग्जीक्यूशन हो गया फिनिश और P0 ने फिर 10 के 10 कहाँ दे दिए, फ्री में वापस दे दिए। अभी नेक्स्ट फ्री कितना हो गया, 10 हो गया और एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट हमें क्या मिला, P1 के बाद P0 मिला, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अभी चेक करेंगे कि हमारे पास फ्री कितने हैं, 10, ओके। अभी बचा हुआ कौन है, ये हो गया, अभी सिर्फ P2 बचा हुआ है, तो अगर ये 10 है, ये 10 और ये 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है, 10 और 2 12 हो जाएंगे, इसका रिक्वायरमेंट था 9 का, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन 10 में से जितने भी उसको चाहिए 7, तो हमने उसको वो दे दिए, उसका एग्जीक्यूशन हमने फिनिश किया और फिर जितने सारे उसके पास थे वो सारे के सारे रिलीज हुए। तो सारे रिलीज होने के बाद पूरे 12 के 12 प्रिंटर हमें वापस मिल गए, तो इसका मतलब कि सब पूरी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन उनके मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तक फिनिश हुआ और हमें एक सीक्वेंस मिला। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है P1 देन P0 एंड देन P2, इट इज कॉल्ड एज अ सेफ सीक्वेंस, क्योंकि जब हमने इस पर्टिकुलर चीज का एग्जीक्यूशन किया तो एग्जीक्यूशन करते वक्त कोई भी प्रोसेस रुकी नहीं, कहीं पे भी सर्कुलर वेट नहीं हुआ, सबका एग्जीक्यूशन उनके मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तक फिनिश हुआ। तो हमें क्या करना है, ऐसा ही एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है हर सिचुएशन के लिए और फिर ही हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो डेडलॉक फ्री है। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज अगर हमने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया या हमें ऐसा सीक्वेंस नहीं मिला तो हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है। तो हम सेम एग्जांपल में एक थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे डेडलॉक अकर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट और एलोकेटेड दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कितने अवेलेबल थे, 3 अवेलेबल थे, 3 फ्री थे। अभी ये 3 फ्री थे तो यहाँ पे करंटली कितना था, एलोकेटेड था 2, तो अभी P2 प्रोसेस ने बोला कि मुझे और एक चाहिए, ठीक है, तो और एक चाहिए ऐसे बोला और आपने क्या किया, 3 अवेलेबल है तो इसको दे सकते हैं, तो आपने इसको एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो 2 का कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो स्टिल ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर हमारा सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है और चेंज होके यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे चेंज ऐसे आया कि इधर फ्री कितने हैं, 2 फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 2 7 और 3 10, 12 में से 10 हमने एलोकेट किए, 2 फ्री है। अभी देखते हैं कि क्या हमें सेफ सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। तो अभी P0 प्रोसेस 5 एलोकेटेड है, हमने ये 2 उसको दे दिए तो 7 हो जाएंगे,
P0 का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो हमने P0 को वेट कराया। फिर हम आते हैं P1 को, ठीक है, P1 को आते हैं, यहाँ पे दो एलोकेटेड है, ये दो के दो उसको दे दिए, तो दो और दो कितने हो जाएंगे, चार, मतलब P1 का एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो हमने P1 का एग्जीक्यूशन कर दिया। ठीक है, P1 का एग्जीक्यूशन जैसे ही हुआ, P1 ने क्या किया, ये दो फ्री में डाल दिए। ठीक है, तो अभी फ्री कितना हो गया, चार फ्री, ओके, अभी चार फ्री हो गए, P1 का एग्जीक्यूशन हो गया। अभी हम देखते हैं कि ये चार हम किसको देंगे, P0 को देंगे या P1 को देंगे। ये चार अगर हमने P0 को दिए तो चार और पांच कितने हो जाएंगे, नौ, लेकिन रिक्वायरमेंट कितना है, दस का, तो क्या हम P0 को फुलफिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो P0 फिर भी वेट ही करेगा। फिर हम आएंगे P2 को, P2 का रिक्वायरमेंट कितना है, नौ है उसके पास, तीन, हमारे पास अवेलेबल है चार, ये चार हमने एलोकेटेड में ऐड किए, चार और तीन हो जाएंगे सात, हमें रिक्वायरमेंट है नौ की, क्या ये फुलफिल होगा, ये भी फुलफिल नहीं होगा, तो ये भी वेट करेगा, ये भी वेट करेगा। एग्जीक्यूशन किसका हुआ, सिर्फ P1 का। और अभी हम यहाँ पे कहाँ आ गए, एक डेड एंड में आ गए, कि यहाँ पे P1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, लेकिन P1 के बाद किसका नंबर आएगा, P0 भी नहीं कर सकता एग्जीक्यूट और P2 भी नहीं करता एग्जीक्यूट। तो हमने ये देखा अभी इस एग्जाम्पल में कि सिर्फ एक रिसोर्स यहाँ पे एलोकेट करने की वजह से P0 और P2 दोनों क्या हो गए, डेडलॉक में अटक गए, अभी इन दोनों का एग्जीक्यूशन रुक गया है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे ही किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या हमें सेफ सीक्वेंस मिलता है, अगर सेफ सीक्वेंस मिलता है तो ही हम उसे आगे फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम उस रिक्वेस्ट को, उस स्टेट को हम अवॉइड करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस हम कौन से अलग अलग तरीकों से करते हैं।